नमस्कार, ये मैं फलहारी मिक्स सब्जी लाई हूँ आपके लिए। आज रश्मि खजाना में आपको मिक्स सब्जी फलहारी बता रहे हैं। ये इसमें मैंने मिक्स सब्जी, आप कुछ भी केला डाल सकती हैं, लौकी है, कद्दू है, गाजर है। मैंने थोड़ी सी लौकी ली है छोटा टुकड़ा, एक गाजर, दो गाजर काट लिए हैं, तीन चार अरवी की छील के काट ली है, थोड़ी सी लौकी, गाजर और अरबी और एक आलू। तो ये मिक्स सब्जी हो गई। और दो टमाटर काटे हैं, उसमें एक हरी मिर्च, अदरक। अलग से कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, और दो मिनट में ये फलहारी सब्जी बन जाती है। और हरा धनिया बहुत ज़रूरी है, इसमें अदरक डाला है मैंने, टमाटर दो और एक हरी मिर्च, और थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे जब सब्जी छौंकेंगे, और जो खड़ा जीरा है उससे छौंक लगाएंगे, और ये सेंधा नमक बस। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो इस सब्जी में दही डाल सकते हैं। और थोड़ा जब इसको सब्जी को भून लेंगे हम, तो उसमें एक चम्मच सिंघाड़े का आटा डाल के और उसको चला लेंगे, और फिर पानी अपने हिसाब से पानी डालेंगे और उसको कुकर को बंद कर देंगे। ये मैंने कुकर में थोड़ा सा घी डाला और जीरा डाला, बस अब सारी सब्जी, ये टमाटर डाल देंगे, टमाटर अदरक और हरी मिर्च एक साथ ही डालेंगे, उससे उसमें एक अच्छा सा स्वाद आ जाता है। ये देखिए, टमाटर को डाल दिया, उसमें पिसा धनिया एक चम्मच डाल दिया और भुना जीरा बस। अब ये हो गया, अब इसमें सारी मिक्स सब्जियां जो मैंने काट रखी हैं वो सब डाल देंगे बस। और उसमें सेंधा नमक डाल के और पानी अपने हिसाब से डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। 7-8 सीटी लगेगी, और पानी इतना डालेंगे थोड़ा गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी बने, बहुत पानी जैसी नहीं। अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो दही डालें, और बस बन के तैयार है। और लास्ट में जब बन जाएगी तो ऊपर से हरा धनिया खूब सारा डाल दीजिए, उसका लाजवाब स्वाद हो जाएगा। देखिए, इसमें पानी डाल दिया, अब थोड़ा सा एक चम्मच ये सिंघाड़े का आटा, बस हो गया। अब इसको हम कुकर को बंद कर देंगे, 6-7-8 सीटी खूब लगाएंगे जिससे गल जाए, बस उसके बाद खाने के लिए तैयार है। ये व्रत की सब्जी है, फलहारी सब्जी बन के तैयार है, गर्मा गर्म, बहुत ही स्वादिष्ट।